हेलो दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वैसे तो टेली प्राइम जो कि टेली सॉफ्टवेयर कंपनी एक नया अपना वर्जन लॉन्च करने जा रही है, जो अभी टेली डॉट ई आर पी नाइन काउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को टेली प्राइम के जो नया वर्जन लॉन्च हो रहा है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स को शॉर्टकट कर दिया गया है और टेली प्राइम में काफ़ी सारे नए फीचर्स को ऐड भी किया गया है। तो दोस्तों, जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं उसमें से एक ऐसा फीचर्स है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वो एक फीचर्स है जो अकाउंटेंट के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो देखने के बाद ये नया फीचर्स एक अकाउंटेंट के लिए कैसा साबित हो सकता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी टेलीविजी मार्ग और अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी नई नई अपडेशन होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जो नया फीचर्स है वो हमें मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए सबसे पहले हमें टेली प्राइम के टाइटल बार में हमें F1 यानी कि हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें जाना पड़ेगा और हेल्प पे जाने के बाद हमें इस सेटिंग के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। जैसे हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा स्टार्टअप का, और हम स्टार्टअप पर क्लिक करेंगे तो स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर हमें नज़र आएगा लॉगिन का, लॉगिन इनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज। तो ये मेरे पास यस किया हुआ है, अगर आपके पास नो है तो आप इसे यस कर लेना। तो दोस्तों, ये यस कैसे होएगा, जैसे हम इस पे कर्सर लेके आएंगे तो एक बार अगर आपको ये नो दिख रहा है तो आप इस पे इंटर प्रेस करेंगे या अपने माउस इस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी यस हो जाएगा, या इंटर प्रेस करेंगे तो भी ये यस नो हो जाएगा। तो इस फीचर्स को हमें यस रखना है और यस रखने के बाद हम आ जाएंगे हमारे टेली के होम पेज पर। तो अब इसको यस करने का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से बताऊंगा। तो इसके लिए दो हम अलग अलग कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के बाद ही इस फंक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक डेमो के लिए दो हम अलग अलग नाम से कंपनी क्रिएट करते हैं, लेकिन उनका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो बिल्कुल सेम रखना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें इसका पता चलेगा कि ये जो फीचर है किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो जब कंपनी हमें नई क्रिएट करनी हो तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हम शॉर्टकट एल्ट के साथ K भी प्रेस कर सकते हैं या इस कंपनी के मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आएगा क्रिएट का, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका लोकेशन आ रही है कंपनी डेटा पाथ का, तो इसे मैं चेंज करूँगा। तो आप चाहो तो इसे ना भी चेंज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको चेंज करने के बाद केवल एक नई ड्राइव क्रिएट करूँगा और उस ड्राइव में केवल वो दो नई कंपनी ही रखना चाहूँगा। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो मुझे कीबोर्ड के बैक स्पेस से इस पाथ पर आना पड़ेगा। तो जैसे इस पे पाथ पे आऊँगा और नया पाथ अगर मुझे देना हो तो मेरे को यहाँ से इस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि सेटिस्फाई है पाथ पे, और इस पे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो जो नया पाथ यानी कि जो नई लोकेशन मेरे को डाटा पाथ की देनी है वो यहाँ पे मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। तो मैं ये डाटा मेरा ई ड्राइव में रखना चाहता हूँ और ई ड्राइव में मैं मेरा फोल्डर क्रिएट करूँगा प्राइम के नाम से और इंटर प्रेस करूँगा। तो अब मुझसे एक वार्निंग यहाँ पे एक आ रहा है भी ई ड्राइव में प्राइम के नाम से कोई फोल्डर नहीं है, आप इसे नया क्रिएट करना चाहते हो क्या, तो बिल्कुल नया क्रिएट करेंगे। तो इस पे लिख लिए मैं यस पे क्लिक करूँगा और यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ई प्राइम भी आ चुका है, और ई प्राइम पे मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर कंपनी का नाम दूँगा। तो मैं डेमो के लिए एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ स्मार्ट वन के नाम से, और बाकी इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद स्टेट मेरा राजस्थान और पोस्टल कोड वगैरह सब कुछ मैं इसे स्किप करते हुए इस ऑप्शन पर आऊँगा सिक्योरिटी के, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको मैं यस करूँगा। जैसे यस करूँगा तो यहाँ पर मेरे से यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम इसका मैं दूँगा M,
और इसका जो पासवर्ड है वो भी मैं एम टाइप करूँगा और कन्फर्म पासवर्ड में भी एम टाइप करूँगा और बाकी फीचर्स को मैं एज इट इज रखते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इसे एक बार मेरे को टाइप करना पड़ेगा एम और इसका पासवर्ड भी एम। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्मार्ट वन की एक कंपनी है जो क्रिएट हो चुकी है। अब एक कंपनी में एक और क्रिएट करूँगा स्मार्ट टू के नाम से। तो इसके लिए भी मैं क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा स्मार्ट टू। सब कुछ को स्किप रखते हुए वापस इसी फीचर्स पर वापस मेरे को आना पड़ेगा, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा, और इसको मैं यस करूँगा और यूज़र ने मेरा एम और पासवर्ड भी एम और कन्फर्म पासवर्ड भी एम रखते हुए इसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तीन कंपनी ओपन है, डेमो प्राइम, स्मार्ट वन, स्मार्ट टू। तो इन तीनों को एक बार मैं सेट करूँगा। सो सेट करने के लिए सेम कंपनी पे इसको जाना पड़ेगा और इसके लिए मैं सेट ऑप्शन पर, तो इसमें मैं डेमो प्राइम को सेट करूँगा और उसके बाद वापस मैं इसको सेट पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए एट के भी शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ मैं, सेट और स्मार्ट वन को भी करूँगा। तो दोस्तों इस फीचर्स का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, मान लीजिए आप अकाउंटिंग करते हो किसी एक बड़े ग्रुप की। बड़े ग्रुप का मतलब भी एक काफ़ी सारा एक ग्रुप है, उसके अंदर अलग अलग कंपनीज है, यानी कि काफ़ी सारे पार्टनर हैं, उन पार्टनर्स ने अलग अलग अपने अलग अलग जगह पे या अलग अलग या एक ही जगह पे अलग अलग कंपनी उन्होंने क्रिएट कर रखी है, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा रखा है नेम वाइज। लेकिन उन सभी की आपको अलग अलग कंपनी क्रिएट करके सबकी अकाउंटिंग मेंटेन आप ही करते हो। तो दोस्तों इसका फीचर्स का बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा, अब मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप में ये दो कंपनी की अकाउंटिंग मैं मेंटेन करता हूँ, उसमें से एक कंपनी का नाम है स्मार्ट वन और सेकंड का है स्मार्ट टू। तो दोस्तों क्या होता है भी जब भी मैं उसकी कंपनी में अकाउंटिंग मेंटेन करूँगा तो मुझे हो सकता है वन टाइम में दोनों कंपनी ओपन करनी पड़े या एक एक भी कर सकता हूँ मैं। तो इसका बेनिफिट मुझे कहाँ मिलेगा, अब जैसे आप देख सकते हो भी प्रेजेंट टाइम में अभी मेरे पास ये स्मार्ट टू कंपनी ओपन है, अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी स्मार्ट वन की कंपनी को ओपन करने की। तो ओपन कंपनी करने के लिए मैं वापस कंपनी पे जाऊंगा और यहाँ से सेलेक्ट के ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा या इसका शॉर्टकट में एल्ट प्लस F3 भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैं सेलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा तो इसमें जैसे मैं स्मार्ट वन को सिलेक्ट करूँगा तो जैसे आप देखा भी जैसे मैंने स्मार्ट वन को सिलेक्ट किया इसने न तो कोई यूज़र नेम पूछा न कोई पासवर्ड पूछा, डायरेक्टली यहाँ से इसकी कंपनी है जो ओपन होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट वन और प्रेजेंट टाइम में दोनों कंपनी मेरे पास ओपन है, स्मार्ट वन और स्मार्ट टू, और प्रेजेंट टाइम में जिस कंपनी में अभी वर्किंग मैं करूँगा वो स्मार्ट वन है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मैं स्मार्ट टू को एक बार सेट करता हूँ मैं, यानी कि इसको बंद करता हूँ मैं, तो इसके लिए मैं सेट पे जाऊँगा और स्मार्ट टू को मैंने बंद कर दिया और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में स्मार्ट वन ही ओपन है। लेकिन अब जैसे ही मैं स्मार्ट टू को अगर ओपन करना चाहूँ मैं तो स्मार्ट कंपनी पे गया, सेलेक्ट कंपनी के और स्मार्ट टू किया तो आप देख सकते हो इसने कोई यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे से नहीं पूछा। तो इस तरीके से आपकी कंपनी तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कितनी मर्जी आपकी कंपनी हो सकती है। अब जैसे मान लो अलग अलग कंपनी में आप वर्क कर रहे हो और आपको स्मार्ट वन कंपनी ओपन करने की ज़रूरत अगर आपको पड़ गई तो आपको बारी बारी यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका फीचर्स का हमें ध्यान ही रखना है भी इन सभी का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी ये फीचर्स अगर आप कह सकते हो हम टेली फीचर्स में भी यूज़ है कर सकते हैं तो टेली फीचर में इस फंक्शन का हम यूज़ तो हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको बारी बारी कंपनी को ओपन करेंगे तो हर बार हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इसका भी आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। अब जैसे मैं सेलेक्ट कंपनी, अब मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है ये बालाजी ट्रेडर्स के नाम से, इसको मैंने ओपन किया, इसका पासवर्ड मैंने एम दिया हुआ है और इसका यूज़र नेम एम दिया हुआ है, तो दोनों मैंने टाइप कर दिया। तो अब मैंने एक कंपनी और ओपन करनी है, न्यू कंपनी, तो इन दोनों कंपनियों का मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों का बिल्कुल सेम ही दिया हुआ है और इसका भी मैंने एम और पासवर्ड भी एम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंपनी प्रेजेंट टाइम में दोनों ओपन जरूर होगी, लेकिन अब मैं बालाजी ट्रेडर्स को सेट करता हूँ तो इसके लिए एल्ट F3 और उसके बाद में सेट कंपनी, और सेट कंपनी में मैं बालाजी ट्रेडर्स को क्लोज करता हूँ।
तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे केवल न्यू कंपनी ही अकेली रह गई है। तो अब जैसे भी मैं F1 करके या सेलेक्ट कंपनी पे जाके मैं बालाजी ट्रेडर्स को अगर सेलेक्ट करूँगा यहाँ से इस कंपनी को मैं, तो हर बार मेरे को यहाँ से ये नेम ऑफ यूज़र और पासवर्ड इसका जो देना पड़ेगा, तो M और 1 इसको देना पड़ेगा, तभी मैं इस कंपनी में एंटर हो सकता हूँ। लेकिन ये जो फीचर्स है टेली प्राइम में, इन्होंने अगर आपकी एक ही ग्रुप की है और दोनों के यूज़र आईडी और पासवर्ड सेम है, तो आपको वन टाइम अगर आप ओपन कर रहे हो एक ही कंपनी को ओपन रहते हुए, दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि हम टेली प्राइम को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम इस कंपनी को ओपन करेंगे, तो एक बार आपको पासवर्ड देना जरूर पड़ेगा। जैसे कि मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं वापस इस टेली प्राइम को ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से इसका लेआउट आएगा और इसका ओपन होने के बाद ये इस चार फंक्शन के साथ ओपन होएगी। तो मैं इसे एक बार एजुकेशनल मोड पे रख रहा हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने ई ड्राइव के अंदर टेली प्राइम के नाम से जो फोल्डर क्रिएट किया था वो यहाँ से नहीं आ रहा, तो उसके लिए मुझे जाने के लिए शॉर्टकट में यहाँ से सीधा इसी पे भी जा सकता हूँ कि सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो जैसे मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और इस पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो कौन से ड्राइव में मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, ई ड्राइव में, और ई ड्राइव में किसके नाम से फोल्डर क्रिएट किया था, ये प्राइम वाला इज प्राइम का ऑप्शन। अब मैं प्राइम पे एंटर मारूंगा तो वो दोनों कंपनी जो मैंने क्रिएट की थी यहाँ पे, दोनों स्मार्ट वन और स्मार्ट टू, वो दोनों यहाँ पे शो करेगा। तो इस पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक बार मुझे ये यूज़र आईडी पासवर्ड इसका देना पड़ेगा। अब मैंने स्मार्ट वन को ओपन कर लिया है और उसके बाद अगर स्मार्ट टू को अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट कंपनी पर जाके, तो अब मेरे से यहाँ से ये नहीं पूछेगा यूज़र आईडी, क्योंकि दोनों का यूज़र आईडी और पासवर्ड सेम है। अगर दोनों का डिफरेंस रहेगा तो मुझे यहाँ पर हर बार ये यूज़र नेम और पासवर्ड इसका देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आज का जो नया फीचर्स कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।